वेलकम टू ओनली आईएएस। आज है 23 जुलाई 2020। तो आइए देख लेते हैं आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन जो कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि सभी स्टेट्स और यूटीज के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स होते हैं उनके पास फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स सेटअप करने का अधिकार होता है, जो कि ये डिसाइड कर सकते हैं कि कोई फॉरेनर इंडिया में इलीगल तरीके से रह रहा है अथवा नहीं। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि अमेंडेड फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ऑर्डर 2019 एम्पावर करता है किसी भी इंडिविजुअल को कि वो इन ट्रिब्यूनल्स को अप्रोच कर सकते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि वो फॉरेनर हैं अथवा नहीं। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है और कौन सा नहीं है। यहाँ पर देखिए ये एक रीसेंट अमेंडमेंट हुआ है, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। दो के दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964 को अमेंड किया, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को एम्पावर किया गया स्टेट्स एंड यूटीज़ के कि वो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल सेटअप कर सकते हैं। इसके पहले तक ये स्टेटमेंट आपको गलत मिलता, लेकिन अब चूंकि ये रीसेंट अपडेट है तो उसके हिसाब से ये जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो गया है। बाकी इसमें इंडिविजुअल्स को भी एम्पावर किया गया है। इसके पहले तक इन ट्रिब्यूनल्स को स्टैब्लिश करने का जो अधिकार था वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हुआ करता था। तो अब काफ़ी ईजी हो जाएगा, कई सारे ट्रिब्यूनल्स स्टैब्लिश होंगे और किसी भी व्यक्ति के लिए ये डिसाइड होना कि वो इलीगल तरीके से रह रहा है या अथवा नहीं, तो इस कंपैरिजन में, पहले के कंपैरिजन में अब ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ट्रिनिटी टेस्ट के बारे में है। हाल फिलहाल में न्यूज़ में देखा गया, आपसे पूछा गया है कि ये किससे संबंधित है। क्या ये दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट था जो मार्स पे पहुंचा? क्या ये दुनिया का फर्स्ट फ्यूल सेल था जिससे ये संबंधित बात की जा रही है? क्या ये बात दुनिया के पहले एटॉमिक बॉम्ब से संबंधित है, या फिर ये बात फर्स्ट और ओल्डेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है? तो बताइए क्या है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको एग्जैक्ट आंसर पता होगा, पढ़ा नहीं होगा तो आप एक गेस लगाने का प्रयास कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक तो बात टेस्ट की हो रही है, तो टेस्ट तो तभी होता है जब कोई नई चीज़ बन रही हो। मार्स पर अगर कोई स्पेसक्राफ्ट भेजा जा रहा है तो वहाँ पर टेस्ट ये शब्द तो हो सकता है यूज़ ना हो। हाँ, स्पेसक्राफ्ट बने तो टेस्ट शब्द का इस्तेमाल हो सकता है। अब इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में तो टेस्ट की बात नहीं आएगी, तो आप थोड़ा सा गेस लगा के इन दोनों को तो क्रॉस कर ही सकते हैं। अब यहाँ पर फ्यूल सेल भी हो सकता है, एटॉमिक बॉम्ब भी हो सकता है, क्योंकि किसी भी चीज़ के इन्वेंशन में टेस्ट होता है। वैसे अब आपका जो खेल है वो 50-50 तक तो आ गया है। सही जवाब वैसे सी है, जब दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब बनाया जा रहा था उस समय ये टेस्ट किया गया था, तो इसके 75 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। इसे ही ट्रिनिटी टेस्ट कहा गया था। ट्रिनिटी एक कोड नेम था जो उस न्यूक्लियर डिवाइस को इंडिकेट करता था जिसकी मदद से ये जो बॉम्ब है वो बनाया जा रहा था। इसे ट्रिनिटी जो नाम दिया गया है वो एक पोएट्री पर है जिसके पोएट हाल फिलहाल में मरे थे उस समय, मतलब अभी नहीं, 75 ईयर्स एगो जब ये बन रहा था तब वो मरे थे। यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी ने 16 जुलाई 1945 को ये टेस्ट मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत किया था। देखिए, जो टेस्ट था उसके बाद जापान में अटोम बॉम्ब गिराया गया, तो नागासाकी में जो बॉम्ब 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था जिसे नाम दिया गया था फैट मैन, उसकी डिज़ाइन बिल्कुल वही थी जो इस टेस्ट में इस्तेमाल की गई थी। मैनहट्टन प्रोजेक्ट एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था जिसे वर्ल्ड वॉर टू के दौरान फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन को प्रोड्यूस करने के लिए लॉन्च किया गया था। जो अगला प्रश्न है वो एक मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन कुर्मा के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये यूज़र को डेटाबेस प्रोवाइड करवाता है कि वो किसी भी स्पीसीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और जो नियरेस्ट रेस्क्यू सेंटर है डॉल्फिन्स के लिए उसकी लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि एक नेशनल, इसे डेवलप किया गया था नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के द्वारा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया के साथ मिलकर। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। अगर आपने कुर्मा के बारे में पढ़ा है तो जवाब आपने सोच लिया होगा। यहाँ पर दो के दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। देखिए, जो पहला स्टेटमेंट है वो इसलिए गलत है बिकॉज ये
टर्टल्स के लिए है ना कि डॉल्फिन्स के लिए। दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि इसे डेवलप किया गया है इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क इट कैन, और इसमें मदद मिली है उन्हें टर्टल सर्विलांस अलायंस ऑफ इंडिया वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा। ये डेटा बेस वगैरह प्रोवाइड करवाएगा अगर कोई व्यक्ति किसी टर्टल को पकड़ता है या उसके पास कोई टर्टल किसी कंडीशन में मिल जाता है, वो उसके बारे में जानकारी चाहता है, उसे कैसे रेस्क्यू किया जाए ये जानना चाहता है, तो वो इस एप्लीकेशन की मदद से वो जानकारी इकट्ठा कर सकता है। वो किसी भी व्यक्ति को गाइड करेगा इस बारे में, ठीक है। जो अगला प्रश्न है वो पेस के बारे में है, दैट स्टैंड्स फॉर पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी। ये एक स्ट्रेटजिक एनर्जी पार्टनरशिप है, किसके बीच में है आपको बताना है। इंडिया चारों में है, मतलब इंडिया में तो है, इसके अलावा दूसरा पार्टनर कौन है, इसराइल, रशिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएसए, बताइए। न्यूज़ में था वैसे ये, आपने जवाब सोच ही लिया होगा। इंडिया और यूएसए के बीच की ये एनर्जी पार्टनरशिप है, नाम से बिल्कुल स्पष्ट है कि ये एनर्जी के ऊपर होगी। देखिए, इस पार्टनरशिप के तहत अभी एक ज्वाइंट स्टेटमेंट पब्लिक किया गया इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा, दैट्स वाई इट वॉज इन न्यूज़। इसे 2018 में स्टैब्लिश किया गया था, उद्देश्य तो यही था कि एनर्जी को लेकर दोनों देश प्रॉपरली इंगेज करेंगे और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोऑपरेशन स्टैब्लिश किया जाएगा, इंडस्ट्रीज़ के एंगेजमेंट के प्रयास भी किए जाएंगे। चार प्राइमरी पिलर्स हैं कोऑपरेशन के, पावर एंड एनर्जी एफिशिएंसी, ऑयल एंड गैस, रीन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल ग्रोथ। जो अगला प्रश्न है वो यूएनएससी 1267 कमेटी के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि इस कमेटी में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 के 15 मेंबर होते हैं और जो डिसीजन होता है वो कंसेंसस यानी सर्वसम्मति से लिया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये किसी भी इंडिविजुअल को ट्रेवल करने से बार कर सकते हैं, बैन कर सकते हैं इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को, अगर वो इनकी सैंक्शंस लिस्ट में आ जाए तो। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर कोई कमेटी है और सैंक्शंस की बात की जा रही है तो अगर किसी व्यक्ति को सैंक्शंस में डाला जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके ऊपर ट्रैवलिंग बैन वगैरह तो लग ही जाएगा। यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो सकती है कि ये कंसेंसस से लिया जाता है या फिर किसी अन्य तरीके से डिसीजन लिया जाता है, मैकेनिज्म में थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न आपको हो सकती है, बट दो के दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, यही आंसर है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो कमेटी है 1267, एक्चुअली में ये रिजोल्यूशन से बनी थी एक, जो कि रिजोल्यूशन 1999 में आया था, वो रिजोल्यूशन 1267 नंबर का था, दैट्स वाई इस कमेटी को यही नाम दे दिया गया। इन्होंने तहरीके तालिबान पाकिस्तान TPP का जो एक लीडर है नूर वली महसूद, उसे अभी वैश्विक आतंकी घोषित किया है, इसीलिए ये कमेटी न्यूज़ में आई है। 15 मेंबर स्टेट्स होते हैं इसमें जो UNSC के हैं, कंसेंसस से वो डिसीजन लेते हैं। काम तो यही दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को या ऑर्गेनाइजेशन को जो आतंकी गतिविधियों में संलिप्त है, उसे अगर ये डेजिग्नेट कर देते हैं आतंकी के तौर पे, तो उनके एसेट्स फ्रीज कर दिए जाते हैं, उनको ट्रैवल से रोका जाता है, उन्हें किसी भी प्रकार के वेपन टेक्नोलॉजी या अदर एड को मिलने से रोका जाता है, ठीक है। जो अगला प्रश्न है वो सिंजर माउंटेन्स के बारे में है, न्यूज़ में देखा गया, कहाँ पर है ये आपसे पूछा गया है, इसराइल, इजिप्त, इराक, सीरिया, इराक, जॉर्डन या फिर सीरिया, टर्की। अब इससे ये तो स्पष्ट हो गया कि ये दो देशों के पास में है, और अगर कोई माउंटेन लेक दो देशों में है, मतलब दोनों देश की बाउंड्री पर होगा, तभी तो दो देशों में होगा, तब आपको बताना है। सही जवाब है बी, सिंजर माउंटेन आपको इराक और सीरिया में मिलेगा। लोकेशन आप देखिए, यहाँ पर है सिंजर माउंटेन रेंज जो कि ईस्ट टू वेस्ट में फैला हुआ है, तो ये यहीं पर इसकी लोकेशन है। 100 किलोमीटर लंबा है ये और एलुवियल स्टेपी प्लेन्स के पास में पड़ेगा, नॉर्थ वेस्टर्न इराक में। सीरिया का कुछ हिस्सा यहाँ पर आ जाता है। अगला क्वेश्चन नेटट्रिप के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये फुल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड प्रोजेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि इसका विज़न ये है कि स्टेट ऑफ आर्ट रिसर्च एंड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, क्रिएट किया जाए, स्टेट ऑफ आर्ट मतलब कटिंग एज टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाए, ताकि ग्लोबल ऑटोमोटिव एक्सीलेंस इंडिया अवेल कर सके आने वाले समय में, ऑटोमोबाइल सेक्टर हमारा बेहतर हो सके। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, आपको बताना है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बता ही चुके होंगे या अपना जवाब सोच चुके होंगे, दो के दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछा गया है क्योंकि नेटट्रिप न्यूज़ में रहा। रीज़न ये था कि नेटट्रिप सीधे सीधे तो न्यूज़ में नहीं था,
लेकिन ICAT यानी कि इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, इन्होंने एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया विद द नेम एस्पायर, ऑटोमोटिव सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। अब ICAT जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म या ये टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म डेवलप किया है वो काम करते हैं नेटट्रिप के अंडर में। नेटट्रिप एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या प्रोजेक्ट है जिसके तहत ये ICAT वर्क करता है। तरह तरीके के जो वर्क हैं इनके द्वारा परफॉर्म किए जाते रहते हैं या प्लेटफॉर्म्स वगैरह ये डेवलप करते हैं, तो उसी के तहत उन्होंने एस्पायर को डेवलप किया है। तो नेटट्रिप को पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड करती है। 3727 करोड़ फंड कॉस्ट सरकार ने इसके ऊपर खर्चा करने का प्लान या इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट को उन्होंने इवेल्युएट किया है। एस्पायर पोर्टल का उद्देश्य यही है कि ऑटोमोटिव सेक्टर में इंडिया की जो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है उसे एनहेंस किया जाए। जो अगला प्रश्न है वो साउथ अटलांटिक एनोमली के बारे में है जो कि कई बार न्यूज़ में देखा जाता है। एनोमली का मतलब होता है नियमहीनता या फिर जो बातें नियम से चल रही हैं उनसे थोड़ा अलगाव। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि साउथ अटलांटिक एनोमली एक रीजन है जहाँ पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होता है और वहाँ पर एनर्जेटिक पार्टिकल्स का जो फ्लक्स होता है वो कम हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि सभी स्पेस टेलीस्कोप या स्पेस टेलीस्कोप और जो बाकी के डिवाइसेस हैं वो शट डाउन हो जाती हैं। वैसे यहाँ पे स्पेस टेलीस्कोप की बात की गई है कि स्पेस टेलीस्कोप जो हैं वो शट डाउन कर जाते हैं जब वो SAA के पास से गुजरते हैं यानी कि साउथ अटलांटिक एनोमली के पास से गुजरते हैं। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। इसे आपने पढ़ा होगा तो ही आप इसे टैकल कर पाएंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि दूसरा स्टेटमेंट तो करेक्ट है लेकिन पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। साउथ अटलांटिक एनोमली क्या है? देखिए अभी जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उनके कुछ सैटेलाइट्स की मदद से ये जानकारी मिली है कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका की जो लोकेशन है वहाँ पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर पड़ रहा है, इसी वजह से वहाँ पे जो एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं उनका फ्लक्स बढ़ जा रहा है। यहाँ पर क्या बोला कि स्ट्रॉन्गेस्ट होता है? नहीं, वीक होता है। जो एनर्जेटिक पार्टिकल्स का फ्लक्स है वो बोला गया डिक्रीज होता है? नहीं, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जिसकी वजह से देखिए जो हमारे अर्थ का मैग्नेट फील्ड है वो हमारे अर्थ को सिक्योर रखता है सोलर फ्लेयर्स से या कोई भी जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनसे। अगर वो वीक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, पार्शियली भी एंटर करते हैं, तो वो कई तरीके के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बेकार कर देंगे, ख़राब कर देंगे। वही हो रहा है, जब भी उस रीजन से कोई टेलीस्कोप वगैरह गुजरता है तो वो ख़राब हो जाता है या बंद कर दिया जाता है ताकि वो ख़राब होने से बच जाए। देखिए इसके पहले तक ये माना जा रहा था कि अर्थ कुछ कुछ समय पर अपने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करती रहती है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का रिवर्सल है, मतलब चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का। लेकिन अभी साइंटिस्ट ने ये कहा कि देखिए जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो जियोलॉजिकल एविडेंसेस के मुताबिक लगभग 76 मिलियन ईयर्स में चेंज होता है, जबकि ये जो घटना है अभी रिसर्चर्स का ये मानना है कि ये घटना 8 से 11 मिलियन साल पहले हुई थी, मतलब ये उतनी बड़ी घटना नहीं है। फिर भी ये चिंता का विषय है क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कई तरीके की प्रॉब्लम्स हमें आने वाली हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं, देखिए जब भी वहाँ से कोई टेलीस्कोप गुजरता है तो उसे बंद कर दिया जाता है ताकि वो ख़राब ना हो जाए। हबल स्पेस टेलीस्कोप जब भी वहाँ से गुजरता है तो वो अपना ऑब्जर्वेशन बंद कर देता है। 2007 में जो क्लोपस्टर नेटवर्क सैटेलाइट बंद हुआ था उसमें भी साउथ अटलांटिक एनोमली ही रीज़न बताया जा रहा है। नासा ने ये भी कहा कि मॉडर्न लैपटॉप्स वगैरह क्रैश कर जाते हैं जब भी स्पेस शटल फ्लाइट्स यहाँ से गुजरती हैं, इस एनोमली के रीजन से गुजरती हैं, तो ये रीज़न है, दैट्स वाई इट वॉज इन न्यूज़। अगला क्वेश्चन कूपर क्रीक के बारे में है, मैपिंग के पार्ट से है, ऑस्ट्रेलिया में। पहला स्टेटमेंट ये है कि जो इसका बेसिन है वो डाउन्स नाम के टेम्परेट ग्रासलैंड को फॉर्म करता है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि ये एक रिवर है जो कि स्टेट ऑफ क्वींसलैंड और साउथ ऑस्ट्रेलिया से फ्लो करती है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है जबकि दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। कूपर क्रीक एक रिवर है जो कि स्टेट ऑफ क्वींसलैंड और साउथ ऑस्ट्रेलिया से फ्लो करती है, तो इस लिहाज से जो दूसरा स्टेटमेंट है वो तो सही हो गया। इसे बुराको रिवर के नाम से भी जाना जाता है, इसकी राइट ट्रिब्यूटरी के नाम से। ये तीन इंपॉर्टेंट रिवर्स में से है जो कि लेक एयर बेसिन में जाती हैं। ये सेकेंड लॉन्गेस्ट इनलैंड रिवर सिस्टम भी है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए है
क्योंकि मरे और डार्लिंग का जो रिवर बेसिन है वो जो डाउन्स ग्रासलैंड है उसे फॉर्म करता है। जो अगला प्रश्न है उसमें चार रिवर्स आपके सामने हैं, आपको इन्हें साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में सेट कर देना है। लैकलैंड रिवर, मरे रिवर, डायमेंटिना रिवर और चौथा कूपर रिवर। आप बताइए कौन सा है सही जवाब। चलिए मैं बता देता हूँ, सही जवाब है बी 2, 1, 4 एंड 3। आपको सबसे साउथ में मरे रिवर मिलेगी, देन लैकलैंड रिवर, उसके बाद कूपर रिवर और उसके बाद डायमेंटिना रिवर। ठीक है, तो यही सिक्वेंस होगा। मरे रिवर जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है ऑस्ट्रेलिया में। कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं ओनली एस पे, आप इन्हें एक्सेस कर सकते हैं vg.onlyas.in पे जाके। कल के मैपिंग के पार्ट में आपको ऑस्ट्रेलिया की माउंटेन्स तैयार रखने हैं, हम उनसे प्रश्न बनाएंगे। बाकी अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस सेशन में बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।